आज हम बनाएंगे अंडा के कबाब। इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई कोई जगह में इसे एक चॉप, डिमेट डेविल, एक काटलेट भी बोला जाता है। नाम जो भी हो, रेसिपी सेम ही है। इतने क्रिस्पी और टेस्टी है कि नाश्ते में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडे को अच्छे से छिल लेंगे इस तरह से। आपको अंडा बॉयल की रेसिपी अगर देखनी है तो आप हमारे चैनल में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। 6 मीडियम साइज आलू को थोड़ा सा नमक दे के बॉयल कर लिए हैं और इसे छील के साफ कर लिए हैं। अभी एक फॉर्क से आलू को पूरे स्मैश करेंगे इस तरह से। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। 1 मीडियम साइज प्याज को बारीकी से काट के डालेंगे, साथ में 2 हरी मिर्च को भी चॉप करके डालेंगे। 1 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से चलाएंगे थोड़े देर मसाला का कच्चा स्मेल जाने तक। अभी डालेंगे स्मैश किए हुए बॉयल आलू को। अच्छे से आलू को भूनेंगे 2 मिनट तक। अभी डालेंगे नमक। नमक लिए हैं 1 बड़े चम्मच। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालें। भुने हुए जीरा पाउडर लिए हैं 1 बड़े चम्मच। मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में डालेंगे 1 बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर और डालेंगे चाट मसाला 2 बड़े चम्मच। कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 बड़े चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़े देर इसे आलू के साथ भुनेंगे। तीखा ज़्यादा पसंद होने से आप 2 हरी मिर्च को चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची ना डालें। चाट मसाला के जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने आलू को मसाला के साथ अच्छे से भून लिए हैं। आलू को एक फॉर्क से और थोड़ा स्मैश कर लेंगे इस तरह से। अब डालेंगे 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को बहुत ज़्यादा नहीं डालें, कबाब का टेस्ट अच्छा नहीं होता है बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स डालने से। आलू को मसाला रेडी हो गया है। इसे एक बर्तन में डाल के ठंडा कर लेते हैं। आलू ठंडा होने पर थोड़ा आलू के मसाला लेके हथेली पर इस तरह से फैलाएं। जितने थिन आप कर सकते हैं उतना थिन करें। इसके अंदर एक बॉयल अंडा को डाल के कवर करेंगे इस तरह से। आप अंडा को हाफ भी कर सकते हैं या तो 1/4 भी डाल सकते हैं। सारे अंडे को हम कवर करेंगे इस तरह से।
जितना थिन लेयर आलू के आप डालेंगे कबाब उतना ही टेस्टी होगा, नहीं तो आलू का टेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और एक अंडा को कवर करके दिखा देते हैं। सारे अंडे को इस तरह से रेडी कर लेंगे। अभी एक बोल में डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। दो बड़े चम्मच सूजी, तीन बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स और हाफ छोटे चम्मच नमक। थोड़े थोड़े पानी डाल के एक थिक बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा थिन बैटर नहीं होगा। एक एक कबाब लेके बैटर में डिप करेंगे अच्छे से। अभी इसके ऊपर सूखे ब्रेड क्रम लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा दबा दबा के ब्रेड क्रम को लगाना है और इसे फिर से एक बार बैटर में डीप करेंगे। और एक बार ब्रेड क्रम लगाएंगे अच्छे से। ऐसे करने से एक के कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। बाकी एक को भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए। तेल अच्छे से गर्म होने पर एक एक करके सारे कबाब को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत तेज आंच में भी पकाना नहीं है, लो फ्लेम में भी पकाना नहीं है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आया है और ये क्रिस्पी तो होता ही है। तो इसे आप एंजॉय कर सकते हैं मस्टर्ड सॉस के साथ। अगर आपको हमारा ये एक रेसिपी अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और भी बहुत सारे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रावणीज किचन को। आपके फ्रेंड या रिलेटिव के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं इस रेसिपी को।
Thank you so much for watching this video. Stay healthy.